वालेकुम अस्सलाम, सब क्या है? जी हाँ जी। अच्छा जी, 7x7 क्वेश्चन जो था, क्या फाइंडिंग है उसकी? जी, एम्फेसिस ऑफ मैट्रिक क्यों था? फ्यूज्ड में से कौन सी सिचुएशन थी वो? अनसर्टेनिटी, एक्सेप्शनल लिटिगेशन, ठीक है, और कोई उसमें काउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं था। अगर इसी में प्रॉब्लम होता तो फिर 705 था ये, ठीक है। तो कोई भी की ऑडिट मैटर, कोई भी एम्स, किसी में प्रॉब्लम अगर निकला है तो वो फिर 705 है, ठीक है। तो चूंकि ये रॉयल जेट में भी जा सकता है, लेकिन हम इसको नहीं लेके जाएंगे, जजमेंट है, रिस्क है, सारा कुछ, क्योंकि स्पेसिफिकली यू मौजूद है फ्यूज के अंदर। वो तो अंडरस्टूड है, अगर वो ना हुआ होता तो मेंशन होता कि फिर आपको वेरीफाई नहीं हो। जब वो आपकी तरफ से कोई बात नहीं है तो फिर प्रॉब्ली प्लॉजिबल अजम्पशन ये है कि सब कुछ ठीक है, वो जो इंडिकेशन दे रहा है आपको वो सब अच्छे की दे रहा है। अगर ये चीज़ ना हो रही होती फिर उसको बताना चाहिए था, फिर हमें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि अच्छा वो तो कह रहे हैं तो हमारा नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं नहीं, वो कोई ऐसे इंडिकेशन है ही नहीं सेटिस्फाई ना होने वाली, तो वो हम आंसर नहीं बनाएंगे। हाँ, ये जरूर था कि हम सेटिस्फाई नहीं है तो फिर उसके मैग्नीट्यूड दो हो सकते हैं, लेकिन ये दो आंसर नहीं देने के। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो क्या करना है, सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करना है, अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफिकली अगर ऐसे कहा हो कि कंपनी ये ट्रीटमेंट किया है और आप इसे अग्री कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अग्री नहीं करें वो नहीं हम कभी खुद करेंगे उसमें, सही। सो क्लियरली वो एक सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी थी रिलेटिंग टू एक्सेप्शनल लिटिगेशन थी, ठीक है, गुड। मैंने तो हाँ नहीं कहो, वो हो नहीं सकता, सारे लिंक्ड हैं, अब हम वो फिर मिक्स हो जाएगा ये। नहीं, हर रोज ऐसे ही हो रहा है, नहीं हर दफा ही ऐसे है, बस फिर हिम्मत करा करें फिर क्लास में आ जाएगा। मैं तो बिल्कुल, मैं तो ये कोशिश है बस, तो लेकिन उसमें भी तो क्लास होती है ना फिर आपकी। चले देखते हैं, पूछना पड़ेगा जाहिर एडमिनिस्ट्रेटिवली कि क्या उसके अंदर सीन। कल भी होगी, फ्राइडे को नहीं करेंगे, बस जुम्मे का टाइम हो जाता है, बाकी कंटिन्यू करें क्योंकि हमें 105 तक तो हैं, लास्ट टाइम 105 में थे, तो इस हिसाब से देख ले, मैं चाह रहा हूँ कि फिर ज़्यादा लेट ना हो, हमें 105 के आसपास तक हमने जाना है। अच्छा जी, सो मैं वो डेफिनेटली कहता हूँ कि सही बात है, सुबह आना है तो करना होता है जल्दी से। अच्छा जी, गोइंग कंसर्न, और अगर नहीं होता लेकिन फिर भी जाहिर है जो भी होगा इसका नुकसान हमें ही होगा, तो फिर हमें पूरी कोशिश करनी है, हम वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपने फिर जैसे भी हो रात जागे, सुबह जल्दी उठें, सुबह 8 बजे क्लास के लिए आना है तो 8 बजे वो लेक्चर ले लें, जो 10 बजे वाला रात को अपलोड हुआ है 8 बजे वो ले लें आप लेक्चर। हाँ सही है, सही है, ठीक। देखिए ना, वो यही होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस जब हम चेंज नहीं कर सकते तो फिर हमें अडेप्ट करना होता है, और जो जो आप लाइफ में आगे जाएंगे ना, कैफ से आगे स्पेशली, जो यहाँ फर्म लैंड होंगे, आपको बड़ी जल्दी रियलाइज होगा कि अभी बहुत सारी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में हैं। सोना, जागना, किसी दिन लेट भी उठ गए, खैर है, फुल टाइम स्टूडेंट है, पढ़ना ही है, जब दिल किया पढ़ लिया, नहीं दिल किया नहीं पढ़ रहे, लेकिन आगे जाके फिर ये ऐसा ऐसा लाइफ में लग्जरी ख़त्म हो जाती है। उसका वही टाइम है, रोज़ आपने फर्म जाना है, 6 बजे फ्री होना है, और अगले दिन सुबह फिर आपने 9 बजे जाना है,
तो अगर आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो वो टाइम आपको वापस नहीं मिलना, वो किसी दिन आप काम सो के या करके नहीं होगा, वो हर चीज़ स्केड्यूल चल रही है, आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर जा रही, तो जो मिलेगा यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। और ये बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में बड़ी जल्दी जब आप फर्म में जाएंगे, फिर आपके कंट्रोल से चीज़ें आएंगी, फिर जो स्लॉट है जो टाइम है वो गुजर, आपने कैप्चर कर लिया कैपिटलाइज कर लिया, मिस हो गया तो वो मिस हो गया, वो वापस नहीं आएगा। आज तो आपने एक दिन नहीं पढ़ा, आप सो गए, दिल नहीं कह रहा, बाहर चले, आपने कहा अगले दिन मैं डबल पढ़ लूँगा, वो आपके पास कंट्रोल में है चीज़ें, आगे कंट्रोल में नहीं होंगी, आपका टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अनकंट्रोलेबल होता जाएगा। सो जो आपने जिस वक्त जो है उस टाइम कर लिया ज़ाया हो गया तो वो ज़ाया हो गया, और जब ज़ाया होता है तो फिर पता भी नहीं चलता और वो अटैम्प्ट आ गई होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम फर्म में भी चल रहे हैं, फिर पढ़ाई भी करनी है, इट ऑल बिकम टू मेस्ड अप। सो थोड़ी सी अभी से ही उसकी कोशिश करें कि अपने आप को डिसिप्लिन करें। असल चीज़ ये है, जो जितना ज़्यादा डिसिप्लिन कर लेता है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल मैं नहीं कहूँगा, बट एटलीस्ट वो उसके एंग्जाइटी और वो चीज़ें उतनी कम होनी शुरू हो जाती हैं। एंग्जाइटी तब होती है जब चीज़ें आपके कंट्रोल में ना, बाहर हो रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं हो नहीं सक रहा, जो नहीं करना चाह रहे हैं वो हो रहा है, तो ये अब बड़ी जल्दी हमें रियलाइज़ होगा कि हमारे अपने कंट्रोल में बहुत कम चीज़ें हैं, वी जस्ट हैव टू गेट अलॉन्ग, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ आपने चलानी है। खैर क्या मतलब, एग्जाम लीव्स तो होती हैं ना ऑब्वियसली। जी जी अच्छा जी, सो हमने कल गोइंग कंसर्न स्टार्ट किया था जी, और थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया था गोइंग कंसर्न का, आज हम अब इसको फॉर्मली जो है कंटिन्यू करते हैं। अगर आप डायग्राम सामने रखें और पैराग्राफ 9.2 अच्छा जी, सो रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं और डायग्राम भी आपके सामने होनी चाहिए, पीडीएफ फाइल नंबर 10। तो जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि शुरू में हमें यह सिखाया जाएगा कि आपने गोइंग कंसर्न को आइडेंटिफाई और असेस करना है कि कहीं इस एंटिटी को गोइंग कंसर्न के प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और ये काम हम प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट में कर आए हैं हमने, ठीक है। लेकिन फॉर्मली अब हम इस स्टैंडर्ड में देखेंगे कि वो रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है, और ये रिस्क असेसमेंट जब हम करेंगे यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाएंगे तो फिर वो कौन कौन से इंडिकेटर्स होंगे कि अगर वो मौजूद हुए हमें नज़र आए तो हम ये समझ जाएंगे कि गोइंग कंसर्न के प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। ये हम रिस्क असेसमेंट में करके आए हुए हैं, मेन पार्टी पैसे नहीं दे रही, स्टॉक नहीं बिक रहा, एनआरबी पे जा रहा है, सू हुआ है, तो सारे इंडिकेटर अपने अपने प्रॉब्लम्स IS-37 IS-4 इन चीज़ों के बाद में ला के जब देखते हैं तो फिर गोइंग कंसर्न के ऊपर भी डाउट्स हैं वो क्रिएट होते हैं। तो फॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे आज उसको रीइन्फोर्स कर रहे हैं। सो पहले देख लेते हैं जी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पैराग्राफ 9.2 में, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वैसे क्या होते हैं, हम कैसे रिस्क असेस करते हैं, चार तरह से, हाँ, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। सो वही चीज़ें बस फॉर्मली यहाँ पे लिखी हैं। सो सबसे पहले हेडिंग है पैराग्राफ 9.2 में इवेलुएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट, क्योंकि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट किसने करनी है, मैनेजमेंट ने करनी है, हमने उनकी बनाई हुई असेसमेंट को इवेलुएट करना है कि उन्होंने असेसमेंट ठीक की है या ठीक नहीं की है। तो मैं इस असेसमेंट को ना, ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है उसमें ज़रा दो एक थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज करने लगूँ कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा के आपने बेसिकली इवेलुएट करनी है मैनेजमेंट की असेसमेंट, और ये नोट कर लेते हैं फिर इसके बाद हम देखते हैं। और कल हमने ये भी बात की थी कि ये गोइंग कंसर्न की असेसमेंट जो है एज अ मिनिमम एंड मैंडेटरी कम अज कम 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग डेट है उसके 12 महीनों तक उन्होंने असेसमेंट करनी है। तो जो 12 मंथ की मैनेजमेंट ने असेसमेंट की है उसको इवेलुएट करने के लिए एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम ये काम करेंगे, ये एप सी ए। एप क्या होता है, हाँ वो मूवी भी है ना प्लैनेट ऑफ द एप्स, एप
वो जो मॉन्की वगैरह इस तरह। अच्छा जी, तो इसमें नंबर वन हम क्या करेंगे, कैसे एवेल्यूएट करेंगे? नंबर वन, ऑरेटर शेल इसमें ई से, एप के अंदर ई से एवेल्यूएट मैनेजमेंट असेसमेंट टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। पहला काम तो है कि उनकी गोइंग जो असम्पशन है उसको आप एवेल्यूएट करें, ओके। नंबर टू, शेल सी से कवर द सेम पीरियड एज यूज बाय मैनेजमेंट बट शुड नॉट बी लेस देन 12 मंथ। तो अगर मैनेजमेंट ने 12 मंथ की असेसमेंट नहीं की तो उनको हम कहेंगे कि ये 12 मंथ की असेसमेंट बनाएं, इंश्योर करना है कि वो असेसमेंट 12 मंथ वाले पीरियड को कवर कर रही है। उसके बाद देखें ए से असम्पशंस ऑन विच असेसमेंट इज बेस्ड। सो मैनेजमेंट ने अगर इस असेसमेंट में कोई असम्पशंस ली हैं तो आप उसको भी असेस करें। अच्छा, बाय द वे ये बात भी कहते हैं, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट करनी है कि हम गोइंग कंसर्न हैं या नहीं हैं, ये वो कैसे असेस करेंगे? ऑडिटर को क्या चीज़ देंगे अगले 12 मंथ के बारे में जिससे वो प्रूफ करेंगे कि भाई हमारी कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न है? बजटेड तो है, बिल्कुल सही कहा आप, नेक्स्ट 12 मंथ की, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर दीजिए। कैश फ्लो, ये जो हम गोइंग कंसर्न का अभी इंडिकेटर्स भी देखेंगे, एक चीज याद रखनी है बस गोइंग कंसर्न में ये जो हम एवेल्यूएट भी कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट असेसमेंट कर रही है ना, हमने एक चीज के बारे में अंदाजा लगाना है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में, और ये अभी हम इंडिकेटर्स देखते हैं उसमें हर चीज में ये होगी कि नेक्स्ट 12 मंथ में कहीं कोई ऐसा पॉइंट या टाइम तो नहीं आने वाला जहां पे मैनेजमेंट को नकद कैश की जरूरत होगी और कंपनी के पास कैश नहीं होगा, या नहीं होगा तो वो अरेंज भी नहीं कर पाएंगे। बस ये गोइंग कंसर्न की असेसमेंट है कि अगले 12 मंथ में कहीं कंपनी को कैश की जरूरत पड़ने वाली है और उस टाइम के ऊपर कंपनी के पास कैश नहीं होगा। तो जब जरूरत हो कैश की और कैश ना हो तो फिर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, बंद हो जाती है, या उसके ऊपर वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये थिन फाइन पॉइंट है बस कि अगले 12 मंथ में कहीं कोई ऐसा वाकया होने वाला या कोई चीज़ एग्रीड है, स्केड्यूल्ड है अगले 12 मंथ के अंदर होने वाली, वो होगी, कैश की जरूरत पड़ेगी और कंपनी के पास कैश नहीं होगा। तो बेसिकली हमने क्या करना है, मैनेजमेंट को कहना है अगले 12 मंथ की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे, वो नहीं जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, वो लास्ट 12 मंथ की है, अगले 12 महीनों की। और बेसिकली हमने उस कैश फ्लो को स्क्रूटनाइज करना है कि जहां जहां से वो शो कर रहे हैं इनफ्लो ये सही है, जहां जहां वो आउटफ्लो शो कर रहे हैं वो पूरे हैं, इनफ्लोज आउटफ्लोज को चेक करना है, अजम्पशंस को चेक करना है और उन कैश फ्लो की टाइमिंग को चेक करना है। बेसिक ये काम है, अगले 12 महीनों की कैश फ्लो बनवानी है और उसको हमने चेक करना है कि उसकी असम्पशन वगैरह ठीक है या नहीं। जी जी बिल्कुल, ये करेंगे, बारिश बरसाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 4, इफ लेस देन 12 मंथ्स रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू ओके एक्शन एंड वेदर सच पी से प्लान आर फिजिबल। सो जो उनके फ्यूचर एक्शंस हैं, प्लान्स हैं, वो फिजिबल भी हैं या नहीं है। आज हमने यही बात करनी है इसी के ऊपर, अगली कैश फ्लो के ऊपर। और लास्ट वन है वेदर ए से ऑल इंफॉर्मेशन विच ऑडिटर इज अवेयर आर इंक्लूडेड इन असेसमेंट। मसलन ऑडिटर को पता है कि 4 महीने बाद कंपनी ने एक लोन की पेमेंट करनी है, तो वो देखे कैश फ्लो में वो लोन की पेमेंट डली हुई भी है या नहीं, यानी जो ऑडिटर के नॉलेज में चीज़ें हैं वो उसको चेक करें ना कि वो कैश फ्लो में इनकॉर्पोरेटेड हैं या नहीं है। तो ये कुछ काम हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लिखे हैं कि एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने क्या चीज़ें एवेल्यूएट करनी हैं, कैसे करनी है। अगर उन्होंने असेसमेंट 12 मंथ से कम की है तो सिंपल जवाब ये कि उनको कहें 12 मंथ की बनाए, और जो भी उन्होंने असेसमेंट की है 12 महीनों की उसके अंदर जो जो चीज़ें उन्होंने डाली है, मैंने कहा इनफ्लो आउटफ्लो प्लान ये वो, सब की फिजिबिलिटी, सबकी अजम्पशन, सबकी कैलकुलेशन हमने चेक करनी है। तो उसने ज़रा तोड़ तोड़ के हर जगह को लिखा है। इसके बाद आगे चलते हैं, पीरियड बियॉन्ड मैनेजमेंट असेसमेंट, यानी कि 12 मंथ से ज़्यादा, अगर 12 मंथ से ज्यादा, अगर आपको 12 मंथ के बाद एक वाकया होता हुआ नजर आ रहा है बाकायदा तौर पे, ठीक है, तो मैनेजमेंट को भी अपनी असेसमेंट जो है वो एक्सटेंड करनी है और ऑडिटर को भी
उस असेसमेंट पे जो वैल्यूएशन है उसको 12 मंथ से बियॉन्ड लेके जाना है। सो अगर 12 मंथ से बियॉन्ड लेके जाना है तो फिर ये चार काम करते हैं, देखते हैं। पीरियड बियॉन्ड मैनेजमेंट असेसमेंट में फर्स्ट है आई से इंक्वायर मैनेजमेंट ऑफ इट्स नॉलेज ऑफ इवेंट्स और कंडीशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये पॉइंट इन चीज़ों को भी कवर करेगा। लेट से मैनेजमेंट के नहीं, 12 मंथ के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं हमारे नॉलेज में, ठीक है, तो क्या आप बस हम चुप कर दें? नहीं, आप उनसे स्पेसिफिकली पूछें, ठीक है, कि आपने 12 मंथ में, क्या 12 मंथ के बाद कोई और ऐसा इवेंट आपके इल्म में चीज़ में है या नहीं है। लेट देम आंसर, ठीक है, वो कहेंगे जी नहीं हमारे हिसाब से कोई नहीं है। दूसरा काम देखिए, रिमेन ए से अलर्ट फॉर इवेंट्स और कंडीशन बियॉन्ड मैनेजमेंट, ठीक है, उन्होंने कह दिया, आपने भी समझ लिया, लेकिन अब आप अपना नॉर्मल ऑडिट करें लेकिन अलर्ट रहें, किसी भी वक्त कोई ऐसी चीज़ आपके नॉलेज में आ सकती है कि 12 मंथ के बाद ये वाक्य होने वाला है। सो जिस दिन वो चीज़ आपकी नज़र में आ जाए उसी दिन हम मैनेजमेंट को कहेंगे जनाब ये मसला है तो आप उस पीरियड को एक्सटेंड करें। और अगला पॉइंट है, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू कंसिडर दैट इवेंट और कंडीशन इफ इट इज़ सिग्निफिकेंट। सो अगर हमारे कोई चीज़ आई तो फिर हम मैनेजमेंट को कहेंगे जनाब अब आप इसको भी इनकॉर्पोरेट करें और इसको एक्सटेंड करें। और लास्ट है जी, अदर देन इंक्वायरी, बेसिकली इट्स ऑल इंक्वायरी, ऑडिटर डज, एन से लिख रहा हूँ, डज नॉट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म एनी अदर प्रोसीजर ऑन पीरियड बियॉन्ड मैनेजमेंट असेसमेंट। तो जिस पीरियड तक मैनेजमेंट ने असेसमेंट की है उससे आगे के लिए आपने सिर्फ उनसे पूछना है और बेसिकली अलर्ट रहना, ठीक है, और इसके ज़्यादा हमने कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं लगा सकते, हमको डॉक्यूमेंट देखना शुरू कर दें, फिर हम उनसे पूछेंगे और पूछने के बाद बेस्ट एविडेंस क्या बन सकता है, उनसे रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले। अभी आएगा नीचे हमारे प्रोसीजर में कि जो भी अपना काम भी करना है, याद करें हमने वो एक निमोनिक बनाया था रिटन रिप्रेजेंटेशन, हमने कहा कि फिट और माइक, याद है, माइक में आई वो आइजाज था, स्टैंडर्ड्स था, ठीक है ना, और उसके अंदर हमने कुछ निमोनिक्स बनाए थे कि कौन कौन सी जगह लिखा, यूजर्स जीएफ, यूजर्स गर्लफ्रेंड जो हैं, तो उसमें जी जो था गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, यानी अपना काम भी करना है और गोइंग कंसर्न की अजम्पशंस भी लेनी है, ठीक है, तो वो पांच सिचुएशन थी, यूजर जीएफ, छह आई गेस, यू एस ई आर जी एफ, हाँ, एफ क्या था उसमें, फ्रॉड वाला, यू क्या था, अनकरेक्टेड जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियलिटी लेवल से कम है उनके, एस सबसीक्वेंट इवेंट्स, ई एस्टिमेट्स फेयर वैल्यूज, और आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वो भी अभी हमारे चैप्टर नंबर 12 के अंदर आने वाला रिलेटेड पार्टी, ठीक है, सो गोइंग कंसर्न, सबसीक्वेंट इवेंट, अब ये सारे टॉपिक हमारे आ रहे हैं ना, गोइंग कंसर्न आ रहा है, फिर सबसीक्वेंट इवेंट आ रहा है, फिर फ्रॉड आ रहा है, और इसकी कुछ अभी सबसीक्वेंट में एम्प्टो मैटर में हमने नोट किया हुआ कुछ सिचुएशन, फ्यूज के अंदर है, अदर मैटर के अंदर, सारा के अंदर भी एस जो है सिग्निफिकेंट, तो ये सब चीज़ें इसीलिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए इसकी टाइम भी रखी होती है कि चीज़ें अनलॉक हों और उसके साथ साथ वो समझ में आए। सो जनाब ये कुछ हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं जो हमने जहाँ तक मैनेजमेंट ने असेसमेंट की वहाँ तक, और उसके आगे हमने क्या करना है। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ठीक है हम ये सारे काम कर रहे हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा, मैनेजमेंट ने हमें कैश फ्लो दी, जो कुछ भी हम सारा कुछ कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एंटिटी को गोइंग कंसर्न के मसाइल हैं, मसाइल, ठीक है, सैनर ने बड़ा अच्छा काम किया, हमें पूरा एक एक जो है ना उन्होंने एक अनेक्चर बना के दिया है, और उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी ऑडिट में रिस्क असेसमेंट करते हुए ये रिस्क, ये इंडिकेटर्स नज़र आए, खबरदार हो जाइएगा कि कंपनी को गोइंग कंसर्न के मसाइल दरपेश हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मसाइल हैं, क्या एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं है ये बाद में कन्फर्म करेंगे, पहले तो ये देखें मसला है या, क्योंकि अगर मसला हुआ तो हो सकता है मैनेजमेंट के पास उस मसले का हल भी हो, प्रॉब्लम तब होगी जब मसला भी है और हल भी नहीं है, फिर हम कहेंगे एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, तो पहले मसले आइडेंटिफाई कर लें। मैं छोटी सी एग्जांपल, हमें नज़र आ रहा है कि 6 महीने के बाद कंपनी ने आज से 5 साल पहले एक 5 ईयर टर्म का लोन लिया था 100 मिलियन का, और ये साल तो गुजर गया, 4.5 साल हो गए, अगले साल के मिड में, दिसंबर ईयर एंड है या मई में या जून में, वो 100 मिलियन पे करना, सही है, आइडिया दे रहा हूँ, तो ये हमें नज़र आ रहा है 100 मिलियन,
और हमें कंपनी की पोजीशन से नजर आ रहा है कंपनी के पास 100 मिलियन अरेंज नहीं है। अब ये एक मसला है, ये हमने निकाल लिया। ये मसला लेके हम जाएंगे मैनेजमेंट के पास, सर हमें नजर आ रहा है 100 मिलियन तो आपके पास तो है नहीं, कहाँ से पे करेंगे? वो कहेंगे बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हम अरेंज कर लेंगे कहीं से। हम फिर पूछेंगे कैसे अरेंज कर लेंगे? मैनेजमेंट ना, जो भी हम मसला बनाएंगे ना मैनेजमेंट के पास लेके जाएंगे, मैनेजमेंट हमें उसका एक प्लान देगी कि हम इस मसले से, अगर तो प्लान नहीं है फिर तो मसला ही खराब कंफर्म हो गया। ठीक है, मसला लेके उन्होंने कहा हाँ ये तो मसला है, हमारे पास तो कोई नहीं है, नहीं तो फिर एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है। मैनेजमेंट पर मैनेजमेंट ने कहा 100 मिलियन है, ये देखें हमारे बैंक में पड़ा है, मसला रिजॉल्व हो गया। हमने कहा जी आपके पास तो बैंक में भी नहीं है, कहाँ से होगा? हम कहीं से अरेंज कर लेंगे। हम कहेंगे कहाँ से अरेंज करेंगे? उन प्लान्स की फिजिबिलिटी फिर हमने समझी। वो कहेंगे हम एक और बैंक से लोन लेंगे, ये पे कर देंगे और वो आगे 5 साल के लिए, एंटिटी गोइंग कंसर्न हो गई। हम कहेंगे वेरी गुड, ज़रा वो जो बैंक आपको तैयार है लोन देने के लिए उसका ज़रा फैसिलिटी, नहीं वो तो अभी हमने जाना है, बातचीत करनी है, सारा कुछ है, तो सर ये फिर आपकी विशफुल थिंकिंग है, ये ख्वाबो ख्याल है, हम ख्वाबो ख्याल पे नहीं चलेंगे, हमें तो कोई चीज़ें बाकायदा तौर पे दिखाइए। अच्छा नहीं वो तो नहीं है, तो फिर हम ऐसा करेंगे कि जनाब हम अपने डायरेक्टर से कहेंगे कि हमें लोन दे दें। डायरेक्टर से लोन लेंगे, वो हमारे डायरेक्टर हैं कंपनी के, हमें 100 मिलियन लोन देंगे कंपनी को, हम ये लोन बैंक को पे कर देंगे और जब हमारे पास पैसे आएंगे हम डायरेक्टर को पैसे दे देंगे, एंटिटी गोइंग कंसर्न होगी। फिर हम कहेंगे अच्छा जी डायरेक्टर पैसे देंगे, डायरेक्टर ने कहीं अंडरटेकिंग दी है स्टैम्प पेपर के अंदर लिख के? दूसरी बात, आपके डायरेक्टर जिसने 100 मिलियन देना उसकी अपनी वेल्थ इतनी है भी कि नहीं? पता चले वो खुद बैंकक्रप्ट हो, सही है? तो फिर उन प्लान्स की फिजिबिलिटी को हमने चेक करना, दिस इज द होल गेम। अभी हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने लगे, इससे शक हो रहा है कि गोइंग कंसर्न के मसाइल है, इससे अभी हमने कंक्लूजन नहीं निकालना। ठीक है, याद वैसे भी याद करें रिस्क असेसमेंट से हम कंक्लूजन नहीं निकालते, रिस्क असेसमेंट में प्रोविजन लग रहा है होनी चाहिए नहीं, हो सकता है कंपनी ने कर दी हो, तो वो तो फिर जब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे फिर कंफर्म होगा कि हमारा जो शक था वो पक में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। हो शक ड्रॉप भी हो सकता है और शक कंफर्म भी हो सकता है। तो हम प्रॉब्लम्स निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम्स का मतलब है कि देर आर सम प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम लेके मैनेजमेंट के पास जाना है, वो हमें इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे, फिर हम उन सोल्यूशन उन प्लान्स को चेक करेंगे कि वो कितने रियलिस्टिक हैं, वो बाकायदा रियलिस्टिक होने चाहिए, वो विशफुल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ डे ड्रीम्स नहीं होना चाहिए, हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, वो कहानियाँ नहीं चाहिए हमें उसमें, और सॉलिड ऑन ग्राउंड चाहिए। सो दिस इज द होल गेम। और हम इंडिकेटर्स में आप नोट करेंगे, इन सारे इंडिकेटर्स का मतलब ये हो रहा होगा कि अगला 12 महीनों में कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, है ना, पैसों का और नकद कैश की ज़रूरत है, वो फिर हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे, ये कैश कहाँ से आएगा वो आपको फिर प्लान बताएंगे, फिर हम उसकी बात करेंगे। ओके तो स्टैंडर्ड ने बड़ा अच्छा ये काम किया कि रिस्क असेसमेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वंडरफुल। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, अगर आप डायग्राम में भी देखें, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स और अदर इंडिकेटर, यानी रिस्क असेसमेंट करके आपको ये इंडिकेटर नजर आएंगे। अगर तो हमें एक भी इंडिकेटर नहीं मिलता तो इसका मतलब है प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर हमें शायद आगे प्रोसीड करने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर इंडिकेटर्स मिलते हैं एक या एक से ज़्यादा, फिर हमने फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर्स भी लगाने हैं। ठीक है, सो आइए देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर, इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, बुक से ये सारी एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि, और मेरी डायग्राम में देखें इन इंडिकेटर्स के ऊपर हम ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्यों लगा रहे हैं, जो डायग्राम में वर्ड मैंने लिखा है, वेदर इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट फॉर सिग्निफिकेंट डाउट ऑन, ये वो इवेंट्स और कंडीशन हम देखने लगे हैं जो एंटिटी की जो गोइंग कंसर्न एबिलिटी है उसके ऊपर डाउट क्रिएट कर रहे हैं। डाउट्स, कंफर्म तो बाद में होगा, अभी तो डाउट्स, प्रॉब्लम, शक हो रहा है कि यार ये मसला है तो पता नहीं ये कंपनी से मैनेज होगा या नहीं होगा, तो पहले तो डाउट्स निकालते हैं। ओके सो लिस्ट पे चलते हैं, पेज है हमारे पास 258 जी, और एग्जाम्पल्स ऑफ सच इवेंट्स और कंडीशन में लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, नहीं क्या नंबर है पेज का जी, 256 सॉरी, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स नंबर वन। ये सारे इंडिकेटर्स मैं आपके साथ इसलिए पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि अगर आपको गोइंग कंसर्न का कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है कि इसमें इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करें, तो ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव स्केड्यूल है कि एग्जामिनर जो भी सिनेरियो बनाएगा ना वो इसमें से पॉइंट डालेगा। इवन आप नोट करेंगे जो हम रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन करके आए हैं
उसमें हमने जब जब गोइंग कंसर्न असेसमेंट को रिस्क को असेस किया था तो वो यहीं से इंडिकेटर लिखे हैं। ये इतने कॉम्प्रिहेंसिव हैं कि इसके अलावा कोई नए अब हो भी नहीं सकते, यही हैं, यही आपको जहां नजर आएंगे आपने गोइंग कंसर्न को हाईलाइट करना। नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन, जो आप अभी जिन अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे हैं उसके अंदर कंपनी के एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है। दूसरी सिचुएशन, करंट एसेट्स कम है, करंट लायबिलिटीज ज्यादा हैं। इससे आप क्या मतलब ले सकते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर जो सारे लायबिलिटीज वाले लोग हैं अगर वो एक वक्त इकट्ठे हो कि आज हमारे पैसे निकालो, तो अगर कंपनी अपने एसेट बेच भी दे सारे तो पैसे इतने पूरे नहीं होने, देन दे आर इन द पोजिशन टू प्रोसीड वाइंडिंग या प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम। अब ये एक शक है, हो सकता है ऐसा हो ऐसा ना हो, प्लान हो मैनेजमेंट के पास, लेकिन हमें एक पॉइंट मिल गया इंडिकेटर, कंपनी की एक्विटी नेगेटिव है। एक्विटी नेगेटिव का मतलब है लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, या करंट रेशो 1:1 नहीं है, 1 से कम है। तो आप अपने सारे करंट एसेट जल्दी से बेच भी दें, इतने पैसे इकट्ठे नहीं होने के आप अपनी करंट लायबिलिटीज पे ऑफ हो, सारे क्रेडिटर्स वो सारे प्रोविजन अक्रूवल्स वाले आ गए लोग के हमारे पैसे निकालो, तो शायद हमसे पैसे अरेंज ना हो सके। ये एक शक है, अभी इसके लिए कंफर्म करने के लिए प्लान्स देखेंगे मैनेजमेंट के। और ये हर चीज कैश में, हर चीज नकद कैश की बात हो रही होगी, ठीक है। नंबर टू, हाँ ये इंडिकेटर्स पढ़ते हैं फिर अंदाजा लगाते हैं। नंबर टू, नेक्स्ट जी, नंबर टू, फिक्स्ड टर्म बोरोइंग्स। ये मैंने एग्जांपल अभी अर्लियर यूज भी की थी, फिक्स्ड टर्म बोरोइंग अप्रोचिंग मैच्योरिटी। वो जो 5 साल वाला लोन था वो 5वां साल अगले साल में किसी भी महीने खत्म हो रहा है, ठीक है, विदाउट रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिन्यूअल। यानी हमें लग रहा है वो बैंक रिन्यू, एक देखें एक तो वो रिन्यू कर देगा तो मसला खत्म हो गया, IMF जिस तरह होता है ना। सो विदाउट रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिन्यूअल और रीपेमेंट, ना हमें लग रहा है ना वो रिन्यू होगा ना ही कंपनी के पास पैसे हैं कि पे कर सके। एक ये एक अलहदा पॉइंट है, यहाँ था और अलहदा पॉइंट, मेक सेंस ना, कि कैश होना नहीं अरेंज और वो रिन्यू नहीं होना, ठीक है। तो एक इंडिकेटर आ गया, सवाल खड़ा हो गया एंटिटी की गोइंग कंसर्न जो एजम्पशन है उसके ऊपर, और एक्सेसिव रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये आप MFA भी पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह इसका एडवांस वर्जन जब आप CFAB में आएंगे तो BFT पढ़ेंगे। ये फाइनेंसिंग, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ कार्डिनल सिन, ये बहुत बड़ा गुना है। कि अगर आपने मशीनरी खरीदनी है 100 मिलियन के, तो उसके लिए आप एक शॉर्ट टर्म 12 महीनों का लोन ले लें, क्या होगा फिर? आपने 100 मिलियन का लोन ले लिया 12 महीनों का, मशीनरी खरीद ली, मशीनरी ने तो आपको वो 100 मिलियन का जो पे बैक है अलॉन्ग विद प्रॉफिट वो तो 10 सालों में मिलना है, 12 महीने के बाद 100 मिलियन पे वापस करना है। तो मैंने अभी 100 मिलियन से एक साल में 100 मिलियन का अभी तो 5-7 मिलियन ही जनरेट किया होगा, तो मैं वो 100 मिलियन अलॉन्ग विद मार्कअप कहाँ से पे करूंगा? तो रूल ये होता है फाइनेंसिंग का कि अगर आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने हैं तो उसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस लें, अगर पाँच साल है तो 5, ताकि मैं पैसे आते जाएं और साथ साथ मैं पे करता जाऊं। और अगर आपने शॉर्ट टर्म एसेट्स खरीदने हैं, स्टॉक खरीदना है, ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक खरीदना है बेचना है, वो आप शॉर्ट टर्म से कर लें, क्योंकि साल के अंदर अंदर तो आपकी इन्वेंट्री बिकी जानी है। आपने लोगों को क्रेडिट पे माल दी है 30 दिन 60 दिन, तो आपने 100 या 1 साल का लोन लिया तो वो पैसे आएंगे, अपना मार्जिन भी रखेंगे, बैंक को उनका मार्जिन। सो शॉर्ट टर्म एसेट्स मस्ट बी फाइनेंस बाय शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म के साथ। तो अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को शॉर्ट टर्म से करेंगे तो फिर संभाली नहीं जाएगी कंपनी। और अगर आप शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई बैंक आपको देगा ही नहीं, वो कहेगा आपने इस पैसे से करना क्या, आप कहेंगे स्टॉक खरीद के बेचना, तो कह रहे फिर 5 साल का लोन क्यों चाहिए, तो ये बैंक होने नहीं देगा, ठीक है, दूसरा काम हमने करना नहीं, ठीक है। सो अगेन देखें कैश की बात, आपसे कैश पूरा इकट्ठा नहीं होगा और लायबिलिटी पे ऑफ करने का टाइम आ जाएगा। अच्छा जी, जो अगला पॉइंट है वो मैं पढ़ता हूँ, इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स। इस पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट जरा अगले पेज पे आए, इकट्ठे दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में जो सेकंड लास्ट बुलेट है, चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू कैश ट्रांजैक्शंस विद सप्लायर्स। आपको पता चला कि अब कंपनी जिस तरह लोगों को क्रेडिट पे माल देती है, इस तरह कंपनी को भी क्रेडिट पे माल मिलता है,
लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो इस कंपनी को क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है, वो क्रेडिट पीरियड कम कर दी है, या वो कहते हैं कि जनाब नकद बड़े शौक से उधार अगले चौक से। अच्छा ये क्यों हो रहा है? पिछले सालों तक तो वो कहते थे सर आए बैठे हैं तशरीफ रखे हैं, ये क्या चाहिए जी यार निकालो माल शाल पैसे, वो आ जाएंगे सर पैसे, क्या बात है माल रखो डिग्गी में वो करवाओ जनाब पिकअप और वो पैसे आ जाएंगे। इस दफा वो कह रहे हैं कि क्या हाल है सर कैसे आना हुआ खैरियत, तो आपने कहा कि वो माल चाहिए, हाँ ठीक है सर, तो वो आपके पास और ऐसे वैसे ये देख लें। पहले उसने कभी वो तख्ती नहीं दिखाई अपने पीछे जिसके ऊपर ये स्टेटमेंट लिखी है जो मैंने अभी पढ़ी, नकद बड़े शौक से, पहले उसके आगे खड़ा होता था ठीक है, उसके नीचे और भी बहुत सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जनाब आप बहुत अच्छे हैं लेकिन उधार नहीं अच्छा है ना, उधार मोहब्बत की कैंची है। तो पहले वो नहीं दिखाता था आपको ये स्टेटमेंट, आप दिखा रहे हैं तो क्या वजह? इसका मतलब ये है कि मार्केट में आपकी रेपुटेशन, आपके कैश पे करने की एबिलिटी सबको नजर आ रहा है। सो जब हालात खराब होते हैं सबको पता चलता है, फिर कोई बंदा आप पे रिस्क थोड़ी लेगा, क्रेडिट पे माल दे आप डूब गए तो उसके पैसों का क्या बनेगा, वो कहता है कैश पे ले जाएं क्योंकि अब आप साउंड, और देख यहीं से गोइंग कंसर्न भी है, इसका मतलब है कि एंटिटी को गोइंग कंसर्न के मसाइल हैं, मार्केट आपको बता रही है क्रेडिट पीरियड कम हो रहा है खत्म हो रहा है, क्रेडिट से कैश पे चीजें आनी शुरू हो गई हैं, इसका मतलब है तो ठीक है खुद करे तो वजह होगी ना, प्रॉब्लम तो आ गई क्यों करेगी, उधर बैंकों से लोन ले रहे हैं लोगों को क्रेडिट पे दे रहे हैं और खुद जो है वो अपने क्रेडिट नहीं ले रहे, तो कोई वजह होगी ना वो समझनी पड़ेगी, लेकिन हम खुद से ही अज्यूम नहीं कर सकते कि अच्छा ऐसा हो गया होगा। सही है, यही चीजें तो आगे जाके हम चेक करेंगे। सही है, या लिखा हुआ है कि शेख रशीद की शादी तक उधार बंद है, कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है, मतलब ना ही हुआ ना वाली बात ही हुई ना, मतलब ना देने को है ना। सही है, ओके। सो वो इसी तरह बाहर गए सीपीए करने यूएस में, तो मुझे इसी तरह ना वो एक शॉप थी उसमें मैं गया, तो मुझे जिस तरह हमने ये स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं हमारी लोकल, वहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी उनकी स्टेटमेंट लगी थी, तो उधर ये लिखा हुआ था कि इन गॉड वी ट्रस्ट रेस्ट पे कैश। सोचें सेम वही बात। सही है ना। सो अगर ये सिचुएशन आपको नजर आ रही है कि कंपनी के साथ हो गई है, तो इसका मतलब है कि कोई मसाइल चल रहे हैं कैश के। ओके जी, नेक्स्ट वापस आते हैं उसी पे। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोस इंडिकेटेड बाय हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहे पिछले साल वाली या अगले साल वाली, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव हैं, सबसे बड़ा खतरा बचपन के आपके ऑपरेशंस ही इतना इनफ कैश जनरेट नहीं करे कि आपके कम से कम कैश वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही पूरे करने। अभी इसमें डिप्रिसिएशन तो बात ही नहीं हो रही, ऑपरेटिंग कैश याद है ना, कैश इनफ्लो ऑपरेशन से जो आ रहे हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कैश वाले हैं, अगर वो नेगेटिव हो जाए तो वो सबसे कहीं, इसका मतलब है कि कंपनी की हालत लंबे अरसे तक ऐसे नहीं हो सकता। आप कब तक इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट करके अपना गुजारा करेंगे? देर विल बी अ टाइम जब आपके पास कोई एसेट नहीं रह जाएगा बेचने के लिए, ना ही कोई बंदा आपको पैसे देने के लिए तैयार होगा फाइनेंसिंग है, तो आपको अपने ऑपरेशन से ही पैसे जनरेट करने होते हैं, तो अगर ये सिचुएशन है तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशो, मैंने कहा कैश फ्लो वो करंट रेशो खराब है, एसेट है वो डेट इक्विटी रेशो जो है वो प्रॉफिट कवर इंटरेस्ट कवर वो रेशो खराब हो रही है, इसका मतलब है प्रॉब्लम आ रही है। सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस और डिटीरियोरेशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स यूज टू जनरेट कैश फ्लो, वो याद करें जो हम IAS 36 में इम्पेयरमेंट मशीनरी, अगर हमें पता है कंपनी की मशीनरी जो है आग लग गई जल गई ऑपरेटिंग लॉस हो गए हैं, वैसे फिजिकल डैमेज हो गया है, तो हमारी वो मुर्गियां जिनसे हमें अंडे आ रहे हैं अगर वो मुर्गियां बीमार पड़ जाएं, ठीक है उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए वो मर जाएं फर्ज करें, तो फिर इसका मतलब है वो अंडे कैश कैश लो तो फिर कैसे चलेगा। सो ये भी हमने देखना है कंपनी के एसेट्स में कोई डैमेज फिजिकल वेयर एंड टेयर और इस तरह के मसाइल तो नहीं हो रहे। सो डिटीरियोरेशन इन वैल्यू ऑफ एसेट जहाँ पे IAS 36 भी ट्रिगर होगा,
एक तो उस एसेट की इंपेयरमेंट और फिर गोइंग कंसर्न भी, बिल्कुल ऐसे जैसे रिसीवेबल टाइम पे नहीं करेगा तो रिसीवेबल की इंपेयरमेंट एक अलहदा डेप्रिसिएशन वो जो उसकी प्रोविजन और फिर गोइंग कंसर्न पे भी इंपैक्ट होगा। सही, अगला पॉइंट बड़ा मजे का, एरियर्स और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड्स। आपको नजर आ रहा है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को भूल गया हुआ है कि डिविडेंड नाम की भी कोई चीज होती है। और एक चीज याद रखें कि कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं उनको खुश रखना बड़ा जरूरी है, और कंपनी के लंबे अरसे तक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना देने की वजह सिवाय इस बात के और कोई हो ही नहीं सकती कि उसके पास डिविडेंड देने के लिए कैश ही नहीं है। वरना कोई कंपनी लंबे अरसे तक स्ट्रेटेजिकली और हीले बहानों से डिविडेंड ज़्यादा अरसे तक नहीं रोक सकती, डिविडेंड देना पड़ता है ताकि वो फिर मजीद भी तो उनसे शेयर सब्सक्राइब कराने हैं ना, तो अगर आप उनका मुंह मीठा नहीं करते रहेंगे थोड़े अरसे बाद, ठीक है, और फिर वो ट्रस्ट लूज कर जाएंगे। तो अगर आपके डिविडेंड डिसकंटिन्यू कर दिए, एरियर्स हैं, बड़े ज़मानों से आपने पे नहीं किया, लोग भूल गए हैं कि डिविडेंड, तो फिर इसका मतलब है प्रॉब्लम कैश की है। कहा आपको ये नहीं वो कहेगी कंपनी, नहीं अभी हम नहीं दे रहे, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये है वो है, लंबे अरसे तक ऐसे नहीं हो सकता। एरियर्स का मतलब है डिक्लेयर किया पे नहीं, वो पेएबल में बढ़े, डिविडेंड पेएबल हाँ नहीं करेंगे तो वो तो फिर फाइन लगेगा ना, लेकिन पे करने का तो नहीं हो रहा ना, तो एक ही वजह है ना क्यों आप कर रहे नहीं पे कर पा रहे, कैश नहीं, ठीक है जी। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट, अगर आप अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे 30 दिन का पे नहीं करेंगे तो फिर अभी तो वो बेचारा फंस गया एक दफा, अगली दफा जब आप उसको ये पेमेंट करें 30 दिन लेट करके, अगली दफा वो आपको माल देगा उधार में। तो इसका मतलब है कि हम स्ट्रेटेजिकली नहीं कर सकते, एक क्रेडिटर है उसको टाइम पे क्या कर लेगा, पैसे लेने हैं ना, ठीक है मैं दे दूंगा जब भी, तो एक दफा तो वो बेचारा फंस जाएगा, आपकी मिनतें करेगा, लेकिन जो ही उसके पैसे पूरे अगली दफा फिर वो आपके हाथ नहीं आएगा। तो कोई कंपनी जान पूछ के ऐसा नहीं कर सकती कि अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे ना करे। टाइम पे ना पे करने की एक ही वजह है कि पैसे ही नहीं है, होते तो हम जरूर पे कर देंगे, मजीद भी तो बाद में भी तो क्रेडिट लेना है ना। तो ये सारे पॉइंट इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि मसला कैश का और नकद कैश का। नेक्स्ट सी, इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। ये देखें आप बैंक का लोन, मैं अक्सर हम बात करते थे, लोन जब कोई देता है तो बड़ी शराइत लगाता है, आपकी रेशो ये हो, मार्कअप ये हो, ये करना है वो करना है, तो अगर आप उन लोन एग्रीमेंट की टर्म्स कंडीशन कोवेनेंट्स को कंप्लाई नहीं करेंगे तो फिर वो बैंक क्या कहता है, दैट लोन बिकम्स इमीजिएटली पेबल। इमीजिएटली का मतलब है कि साल का भी दिया था आपने, डिफॉल्ट किया कुछ है, अब भी पे, तो अभी कहाँ से करें, पैसे ही नहीं है। तो हर कंपनी को लोन एग्रीमेंट कंप्लाई करना होता है, नहीं करेगी तो एक ही वजह को मसले हैं, और मसला कैश फ्लो का। ये अगला सेकेंड लास्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया था ऑलरेडी। नेक्स्ट है जी, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर एसेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ अदर और अदर असेंशियल। वो याद करें इनटेंजिबल्स में डेवलपमेंट कॉस्ट, रंग गोरा करने वाली क्रीम बन रही थी, कंपनी की हालत बड़ी ख़राब है, लेकिन वो ऑडिटर को कह रहे हैं कि जनाब बस सारे हमारे मसाइल दूर होने वाले हैं, नुस्खा हाथ लग गया है, हकीम भी हाथ लग गया है, टेक्निकल फिजिबिलिटी भी है, वो सब कुछ है, सिर्फ एक मसला है पैसे नहीं, रिसोर्सेज नहीं, बस वो जिस दिन अरेंज हो जाए बात करें। और इस टाइम जो रियलिटी वो ये कि कोई बैंक आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, डायरेक्टर्स खाली हो चुके हैं, डायरेक्टर्स के रिश्तेदार, कोई बहन भाई कज़न फैमिली में कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं ना, ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो जो आपके प्लान हैं इसके लिए जब रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, तो जो आपने आगे वो चीज़ें बनाई हुई हैं वो कैसे मैच्योर होंगी। तो इट ऑल कम्स डाउन टू कैश, टेक्निकल फिजिबल जो मर्जी हो, अगर उसमें टिपरार में आ रही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, कैश ही नहीं है, तो फिर ये चीज़ें। और ये हमारे वो रिस्क वाले क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनाब वो कंपनी का ये प्लान है, एक्चुअली 100 मिलियन चाहिए, और वो कह रहा है कोई बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो जब पैसे ही नहीं होंगे, प्रोजेक्ट नहीं होगा, प्रोजेक्ट नहीं होगा, कंपनी की हालत पहले ही ख़राब है, तो फिर ये गोइंग कंसर्नेबिलिटी के ऊपर डाउट क्रिएट हो गया। अच्छा, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हमने पढ़े, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के पता चल जाएंगे, प्रीवियस ईयर और अगले पीरियड की कैश। फाइनेंशियल इंडिकेटर कहाँ से मिलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। अब कुछ और इंडिकेटर्स आ रहे हैं, ये कहाँ क्या हेडिंग है इसकी,
ये अब हम कंपनी के ऑपरेशंस पे नजर डालेंगे. अभी अब तो हम नंबर्स पे देख रहे थे ना, एसेट लायबिलिटी लोन, ठीक है, क्रेडिटर्स, ये वो बात कर रहे थे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की. अब जरा कुछ कंपनी के ऑपरेशन में नजर डालते हैं, वहां से भी आपको कुछ इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं कि कंपनी में गोइंग कंसर्न के प्रॉब्लम्स हैं. अब ऑपरेशंस में है, नंबर वन, मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट एंटिटी और टू सीज. अच्छा, ये अगर आपको मैनेजमेंट खुद कह दे कि जनाब बड़ी हो गई, हमने तो कहा तब्दीली होगी, ये है वो है और फलाना, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा. मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, हमने तो जनाब इमिग्रेशन ले लिया, हम चारों भाई जा रहे हैं. तो ये अब ये सिर्फ पढ़ तो इंडिकेटर में, लेकिन टेक्निकली इंडिकेटर से आगे ये बात तो मजीद ही कन्फर्म ही हो गई कि मैनेजमेंट ने खुद फैसला कर लिया, इंटेंशन है कि हमने बंद कर देना सारा. उन्होंने आपको खुद बता दिया, बेशक कोई इंडिकेटर हो ना, जब उनका खुद इरादा ही नहीं कंटिन्यू करने का, तो इसका मतलब है कि फिर ये गोइंग कंसर्न नहीं है. तो उनका ऑपरेशन बंद करने का उनका इरादा, नोटिस डाल दिया फैक्ट्री बंद हो रही है 3 महीनों में, जिसके जो बकाया जाते हैं वो आके ले ले, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कंपनी के जो ऑपरेटिंग इंडिकेटर है. आगे दूसरा देखते हैं, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट. आपको पता चला कि वो कंपनी का जो प्लांट सुपरवाइजर था और 20 बंदों की टीम, वो छोड़ के साथ वाली फैक्ट्री में चला गया, और आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी हाईली स्किल्ड है कि उसकी रिप्लेसमेंट और वो वर्कर इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं है. तो अगर आप रिप्लेस नहीं कर सकते तो आपकी प्रोडक्शन तो बंद हो गई. तो कितने अरसे तक बंद रहेगा, तो आप सर्वाइव करेंगे, क्योंकि बंदा नहीं मिलना, बंदे नहीं मिलने, टीम नहीं मिलनी, तो आपका तो ऑपरेशन फिर ख़त्म हो गए, ठीक है ना. तो की मैनेजमेंट, की बंदे जो आपके ऑपरेशन को चला रहे हैं, वो आपके छोड़ के चले जाएं और आपके पास उनकी कोई रिप्लेसमेंट ना हो. ये अब हमें ड्यूरिंग ऑडिट इंक्वायरी कर, ये सब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से हमें चीज़ें पता चल रही हैं और कैसे हो रही है. हम कोई चीज़ इंक्वायर कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चीज़ें, है ना, और कई चीज़ों को एनालिटिकली देख रहे हैं. ये बिहाइंड द सीन वही चल रहा है. ये सारे इंडिकेटर्स कैसे हमारे सामने आ रहे हैं, IIOA से, कि वो उसकी वो रिप्लेसमेंट ही नहीं है ना. बंदा छोड़ के चला गया, आपको बंदा ही नहीं है, आप उसको, आपको मशीनरी चलाने वाला प्लांट सुपरवाइजर अगर हो सकती है तो फिर तो मसला ही नहीं है. हम तो कह रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, वो कोई है ही नहीं, वो टेक्निकल बंदा पाकिस्तान में 2 ही हैं. हाँ, वो इतनी सुबह के 2 ही बंदे हैं, वो एक आपके पास है, एक दूसरे वो एक छोड़ के भी, अब आपके पास बंदा ही कोई नहीं. अब जर्मनी से बुलाएंगे, कुछ होगा तो फिर होगा, ट्रेंड ही कोई बंदा नहीं हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं होता. अगला देखिए जनाब, इसमें 3-4 बातें हो रही है. लॉस ऑफ अ मेजर मार्केट. सोचें आपकी सारी की सारी सेल जो है, लेट से वो एक खास प्रोविंस में जा रही, वो उधर से उन्होंने आपसे, या एक कस्टमर आगे आ रहा है, मार्केट ले लें, की कस्टमर ले लें, फ्रेंचाइज लाइसेंस और प्रिंसिपल सप्लायर. आपका 80% सेल एक कस्टमर को जाती थी और बाकी 20 पर बहुत, उस एक कस्टमर ने आपसे माल लेना छोड़ दिया, उसने आपके कंपेटिटर से माल लेना शुरू कर दिया रेट, तो अब आप खड़े पैर, वो जो अपनी 80% सेल उसको, तो वो किसको करेंगे. तो एक की कस्टमर चला जाए आपका, ठीक है, कोई मार्केट लूज हो जाए आपके, आप एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ को बैन शैन लग जाए. अब आता है ना कि यूरोप जना वो उन्होंने बैन कर दिया, हमारी चीज़ें नहीं होंगी, प्रॉब्लम निकल आई, हमारा फ्रूट सही नहीं है, ये नहीं है, फॉल्टी प्रोडक्ट्स हैं, ये वो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है. मेजर मार्केट लूज हो जाए, कस्टमर लूज हो जाए. एक एंड पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल सप्लायर. आपका जो रॉ मटेरियल, ये जिस तरह आपको पता है रबर वबर मलेशिया से आता है, वो कोरोना में हुआ था, बैन हो, कुछ हो ही नहीं रहा था, सारी इंडस्ट्री बैठ गई, गोइंग कंसर्न में वो माल ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा, तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे. आपका रॉ मटेरियल डिपेंडेंट ही एक सप्लायर पे, वो सप्लायर कहता है कि मैं अब आपको माल नहीं दे सकता, मेरे पास तो माल ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं, आप क्या करेंगे. जब रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, प्रिंसिपल सप्लायर ही चेंज हो गया आपका, तो क्या करेंगे, और कोई है ही नहीं जो आपको प्रोडक्ट दे सके, ना बेचने के वाले से भी बात हो रही है और ख़रीदने, यानी आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है किसी के ऊपर. इसीलिए कहते हैं ना कि ज़रा स्प्रेड करके रखें, डाइवर्सिफाई करें. और ये लॉस ऑफ अ फ्रेंचाइज लाइसेंस, वो जो आपके पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस है किसी चीज़ को, वो लाइसेंस आपसे ले लिया जाए, है ना, तो आप तो उस लाइसेंस के तहत चीज़ें बेच रहे हैं, वो लाइसेंस आपसे चला जाए तो ख़त्म हो जाएगा. फ्रेंचाइज, हाँ, मैकडोनल्ड, तो हम सुबह उठें और जाएं जे रोड पे, अब ये एम ऐसे लिखो सारा कुछ, बस उसका नाम एम मैकडोनल्ड, हम मानी बर्गर हो जाए वो, और वो हमें कहेंगे जनाब उनसे हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, अब हम लोकली, लेकिन सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, सेम
हमारी रेसिपी है, जहाँ से हम पहले चीज़ें इंपोर्ट करते थे अभी वो है, लेकिन बस मैकडॉनल्ड नहीं है, अब इसका नाम मानी बर्गर है। फ़र्क पड़ेगा सेल्स के? बहुत पड़ेगा, ब्रांड की वजह से तो लोग जाते हैं, है ना। तो ये इफेक्ट होता है कि फ्रेंचाइज आपसे चली जाए, सारा कुछ चला जाए। ओके, लेबर डिफिकल्टीज। आप ऑडिट में बैठे हुए हैं, प्लानिंग रिस्क असेसमेंट बात करें, सीएफओ से मीटिंग हो रही है, सर क्या चल रहा है बिजनेस, वो आपको बता रहा है, आप डिस्कस कर रहे हैं, आपको आवाज आई शोर की, आप नीचे खिड़की में, आपने खिड़की नीचे आवाजें आ रही हैं, लेबर वाले के लिए साडा हक एथे रक सर, वो जनाब स्ट्राइक हो गई है जनाब, लेबर जो है वो सा काम हम छोड़ के, गोइंग कंसर्न ऑपरेटिंग डिफिकल्टीज आ रही हैं ना, कुछ कहने की, आपने ऑब्जर्व किया है लेबर डिफिकल्टीज, शॉर्टेजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट सप्लाईज, कोरोना में यही हुआ था, है ना, आप इम्पॉर्टेंट सप्लाईज ही नहीं आपके पास, वो आप कैसे चीज़ें बनाएंगे, कार में हुआ था वो, किट्स नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, इम्पोर्ट बंद हो गई, या जब ये डॉलर वगैरह तो इम्पोर्ट बंद कर दी थी ना, कि पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं कम हो रहे थे, तो जब इम्पोर्ट बंद हो गई तो असेंशियल चीज़ों की रहेगी, तो नॉन असेंशियल तो फिर वो कैसे चलेंगे, कैसे चीज़ें बनेंगी। इमरजेंस ऑफ अ हाईली सक्सेसफुल कंपेटिटर, एक खबीस, हमें चीज़ 80 रुपए की पड़ती है, हम उस पर 20 रुपए ऐड करके 100 की बेचते हैं, वो सेम क्वालिटी सेम चीज़ 75 रुपए की बेच रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे 80 की कॉस्ट करती है, वो 75 की सेल कर रहा है, उसमें वो प्रॉफिट में, मैं कैसे कम्पीट करूँगा, समझ नहीं आ। लेकिन आते कई आते हैं ऐसे, करते हैं आपको वाइप आउट करने के लिए, उन्हें पता है आपकी पसली कितनी है, कितना अर्सा आप लॉस में चलेंगे, एक दूसरे को टेस्ट करते हैं, वो चाहे लॉस में कर रहा हो, उसकी शुरू की इन्वेस्टमेंट है, अपने कंपेटिटर को रहने के लिए उससे भी कम पे कर दो, देखते हैं ना। तो ये इस तरह के कोई आ जाए कंपेटिटर, या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर महंगा है, वो चाइना से वो चीज़ बनवा ले, अभी आप बात भी कर रहे थे सेम क्वालिटी वाली, और 75 में कॉस्टिंग करवा ले और क्वालिटी इंश्योर कर ले, वो 75 में बेच रहे, आप 80 कंपीट ही नहीं कर सकते, क्या करेंगे। और हो भी यही रहे ना, वो इंपोर्ट करें तो वो सस्ती पड़ती है, मैन्युफैक्चर करें तो महंगी है, क्योंकि हमारी हर चीज़ बिजली इनपुट हर चीज़ तो इतनी महंगी है रेट, वहाँ तो बिजली फ्री है चाइना में, जब वो चीज़ बनवाते हैं उनकी गवर्नमेंट ने उनको फ्री दी है पानी बिजली ये वो, बस काम करो, सब चीज़ें तुम्हें फ्री मिलेगी, गवर्नमेंट फैसिलिटी करो, यहाँ पर यूनिट का रेट आपको पता है, तो कम्पीट हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, तो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स मिले, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, आप कुछ अदर, बस ये अदर देख के फिर आज क्लोज करते हैं, और अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर इसको बाकी हम वाइंड अप करेंगे। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट अदर इंडिकेटर्स, यानी फाइनेंशियल देख ली, ऑपरेटिंग देख ली, अब अदर, नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल और अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये यूजुअली अप्लाई होती है बैंक्स में। आपके इल्म में होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में रेगुलेटरी अथॉरिटी है बैंक की, हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है, तो उसके ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि पाकिस्तान में किसी को बैंक का काम करना है, लाइसेंस करना है, तो लेट से 100 मिलियन रुपीज़ स्टेट बैंक के पास रखवाने हैं, उसको कहते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, MCR। आइडिया ये है कि खुदा ना खास्ता आपका बैंक कभी डिफॉल्ट किया, तो आपके जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं उनको बड़ा नुकसान होगा, तो वो जो 100 मिलियन आपके उधर रखे में फिर उसके वो पे किया जाएगा, तो लेट, और ये टाइम टू टाइम चेंज, वो 100 है कभी 125 हो जाती है, 130, और वो स्टेट बैंक फिर चेंज करता रहता है। अगर आप उस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेंगे तो स्टेट बैंक आपको एक दो वार्निंग के बाद क्या करेगा, आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, लाइसेंस कैंसिल हो गया बैंकिंग बिजनेस तो गोइंग कंसर्न नहीं रहा ना फिर। तो अगर कोई रेगुलेटर से रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो पूरी करनी है, नहीं करेंगे आप तो बंद हो जाएगा आपका बिजनेस, है ना, सबके लिए। मैं तो किसी भी कर, पंजाब फूड अथॉरिटी के आप स्टैंडर्ड मीट नहीं करेंगे, वो सील कर देंगे, अगर सील हो गया तो क्या मतलब है, गोइंग कंसर्न, क्या ख्याल है, हेड कवर नहीं है, बाल निकल आया, चूहा निकल आया, कॉकरोच निकल आया, तो उन्होंने सीधा आगे सील करना है, तो यही है नॉन कंप्लायंस आप कर रहे हैं। एनवायरनमेंट वालों की आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, वो आपके स्मोक डिटेक्टर नहीं लगे हुए, वो एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, या नाले में आप पानी बगैर प्रोसेस के वो वेस्ट भेज वो आएंगे सील कर देंगे, ये सब नॉन कंप्लायंसेज होगी ना कैपिटल। ओके, पेंडिंग फिर आ रहा है लीगल, ये हमारी जान नहीं छोड़ते, ये लीगल रेगुलेटरी, पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी proceedings against entity that may result in a claim that entity is unlikely to be able to, 100 मिलियन का अगर वो हम खुदा ना खासा केस हार गए तो हमने आज तक इतने पैसे कमाए नहीं जितने हमें देने पड़ जाएंगे, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। वैसे हम कह रहे ना एमसो मैटर डाल देंगे, अकाउंटिंग सही हो ऑडिटिंग सही, लेकिन वैसे सोचें अगर बाद में हार गए केस तो ये फाइन कौन कहाँ से पे होगा,
तो वो जितने हमने रिस्क के इंडिकेटर्स पढ़े थे वो अपने अपने एरिया के तो रिस्क हैं, डिस्क्लोजर ये वो आई स्टडी, लेकिन उसके साथ वो प्रॉब्लम्स मिलके एक बिगर प्रॉब्लम, ये इट्स अ बिगर प्रॉब्लम। और ये रिस्क कौन सा वाला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है। इससे एक दो एलिमेंट्स अफेक्ट नहीं होने, गोइंग कंसर्न पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और मेजरमेंट बेसिस चेंज होने वाली, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क। तो हम ये कह रहे हैं छोटे छोटे असर्शन लेवल वाले रिस्क मिल के क्या बन जाते हैं? गोइंग कंसर्न के रिस्क बन जाते हैं। ओके, तो बस क्विकली, चेंजेस इन लॉ और रेगुलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू एडवर्सली अफेक्ट दी, बहुत कॉमन है। एक SRO आता है, चार इंडस्ट्रियां बंद हो जाती हैं, एक बिजनेस ऊपर चला जाता है, ऐसे ही होता है ना। हमारी आटा बनाने वाली मिल है, फ्लोर मिल है, और हम अपना सारा आटा लेट से KP में सेल करते हैं। सुबह SRO है, इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट ऑफ व्हीट इज बैन। मैं तो उड़ गया, पंजाब का आटा पंजाब में सेल होगा, मेरे तो सारे कस्टमर उधर थे, तो मैं क्या करूंगा, खराब काम सारा हो गया। एक SRO आने से इंपोर्ट ऑफ व्हीकल 2 साल पुरानी अलाउ हो जाती है, कभी बंद हो जाती है। हाइब्रिड के ऊपर ये रेट होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ये 5% होगा, दूसरे के ऊपर 50% है, 200% है, ये 20 हो गया। तो देखिए कितनी फ्लक्चुएट, कितना चीज बिजनेस होते हैं, लोकल इंडस्ट्री कभी बैठ जाती है, कभी उसको प्रमोट करने के लिए ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। तो सच इज द वॉलेटिलिटी, तो गोइंग कंसर्न के ऊपर प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है जी, लास्ट वन, अनसिक्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड डिजास्टर्स या कैटेस्ट्रोफीज हमने पढ़ा था, व्हेन दे अगर, सो अगर कंपनी एक ऐसे एरिया में ऑपरेट कर रही है जहाँ पे जलजले आना नॉर्मल बात है, सुनामी आना नॉर्मल बात है, लाइक जापान की ट्रेन इन जगहों पे इस तरह, तो वहाँ पे हर बिजनेस को इंश्योरेंस लाजमी करानी होती है। तो अगर ऐसे एरिया में एक इंश्योरेंस होनी चाहिए और कंपनी ने नहीं कराई हुई, तो गोइंग कंसर्न का रिस्क है ना, वो अगर वो हो गया हादसा तो आपके वो एसेट तबाह बर्बाद हो गए, तो दोबारा आप कैसे जनरेट करेंगे अगर आपने इंश्योर ही नहीं कराया, या इंश्योर कराया है लेकिन कम अमाउंट का करवाया है, पूरी अमाउंट का नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? सो अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योर्ड है डिजास्टर वाले एरिया में, ठीक है, तो ये भी आपके एक अदर इंडिकेटर्स में आएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एरिया इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो है, अब अगले हेडिंग देखें क्या है 9.3 की, एडिशनल प्रोसीजर्स, आगे पढ़ें अगली लाइन, व्हेन इवेंट्स और कंडीशन, का मतलब है ये ऊपर अगर कोई हुआ तो फिर, अगर कुछ नहीं मिला तो ये 9.3 एप्लीकेबल ही नहीं, सुकून करें, कोई मसला नहीं है। अगर कंडीशन इवेंट मिल गए फाइनेंशियल ऑपरेटिंग या अदर में से कोई एक या एक से ज्यादा, तो फिर ही हम लगाएंगे, और ये लगाएंगे इसके बाद कंफर्म करेंगे एंटिटी गोइंग, फिर हम देखेंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे।